हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक लेके आई हूँ हेयर मास्क। बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, बनाना हेयर मास्क। इसको कैसे बनाते हैं, क्या फ़ायदा है, सब इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमने एक बनाना लिया है, ऐसे कट कर लिया है। और अगर आपके ये हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, आपके अगर हेयर लंबे हैं तो दो लीजिए, अगर मीडियम है शॉर्ट है तो एक लीजिए, हो जाएगा इसमें। और फिर हमने एक एलोवेरा लिया है, ये हमने एलोवेरा फ्रेश लीव लिया है, एक फ्रेश लीव लिया था, उसी से मैंने जेल निकाल लिया है। अगर आपके पास फ्रेश लीव ना हो तो आप कोई किसी भी ब्रांड का एलोवेरा ले सकते हैं, दो बड़े चम्मच, ओके। और फिर उसके बाद हमने लिया है एक चम्मच शहद, एक चम्मच शहद लिया है। अगर आपके पास शहद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलोवेरा और बनाना सभी बना सकते हैं। और उसके बाद हम ले रहे हैं नींबू ले रहे हैं, इसकी सिर्फ दो तीन बूंद हम नींबू लेंगे, इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हमें मैश करना है, स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम ऐसे मिक्स करेंगे तो कुछ भी बनाना के थोड़े भी पार्ट्स रह जाते हैं तो वो हमें नहीं चाहिए, चंक्स रह जाए ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने बनाना डाल लिया, एलोवेरा जेल, एक बड़ा चम्मच शहद, दो तीन बूंद नींबू के, बस इतना ही लेंगे। अब इसे हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये हमने पेस्ट बना लिया है, इस तरीके का पेस्ट बना है। इसमें फ्रेंड्स कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए, जो उसके पार्टिकल होते हैं अगर वो रह गए तो उससे अच्छा नहीं रहेगा, हेयर्स पे वो चिपकेंगे। हमें पूरा स्मूथ पेस्ट बनाना है और इसे फिर हम निकाल लेते हैं। अगर कोई भी चंक्स रह जाते तो उसको आप अलग कर दीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ये हमारा पेस्ट तैयार हो, मास्क तैयार हो चुका है। इसे हम अपने हेयर्स पे लगा लेंगे और पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा लगाना है। और इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसे कम से कम 30 मिनट के लिए रखना है, 30 से 45 मिनट के बीच आपको रखना है। और फिर इसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से, आप चाहे तो शैम्पू भी इसके बाद कर सकते हैं। शैम्पू कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और इसके अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हफ्ते में 1 से 2 टाइम्स आपको इसको यूज़ करना है। अगर हफ्ते में 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 2 बार नहीं यूज़ कर पाते हैं तो 1 बार इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इससे आपका क्या रिजल्ट आएगा कि आपके हेयर्स स्मूथ रहेंगे और सिल्की रहेंगे, चमक रहेगी, ये सब इससे फ़ायदे होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।